बरसों बीत जाने के बाद भी यूनिटेक के घर खरीदार गृह प्रवेश का ऐसा इंतजार कर रहे हैं जो कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। सरकार के टेक ओवर के बावजूद यूनिटेक के बायर्स की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। उधर नोएडा अथॉरिटी ने ब्याज पर ब्याज लगाकर यूनिटेक की बकाया रकम को कई गुना बढ़ाकर घर खरीदारों को मुश्किलों में डाल दिया है। यूनिटेक के नोएडा में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट्स में घर बुक कराने वाले लोगों को बरसों बीत जाने के बाद भी अपने आशियाने का इंतजार है। कंपनी के दिवालिया होने और सरकार के टेक ओवर करने के बावजूद भी लोगों को अपने घर के पोजेशन की कोई आस नजर नहीं आ रही है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, बेशक सुप्रीम कोर्ट हो या नोएडा अथॉरिटी हो, जो भी उनके रीजंस है, ऑफिशियल फाइनेंशियल इकोनॉमिक रीजंस है, बट इसका जो पूरा जो सफर कर रहा है वो एक होम बायर सफर कर रहा है मेरे जैसे। यूनिटेक जो है 12 साल से अटका हुआ है एंड 12 इयर्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसमें लोग बाग जो है हाउसिंग लोन भी चुकता कर रहे हैं, लोग बाग अपनी EMI भी हाउसिंग लोन की दे रहे हैं और साथ में लोग बाग जो है किराया भी दे रहे हैं। आप जब समझिए कि लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा इसका, जहाँ पे EMI तो जा ही रहा है और रेगुलरली, और उनको साथ में किराया भी देना पड़ रहा है। जिस किस्म की आप मीटिंग करा रहे हैं, जिसके अंदर बिल्डर फिर से एक दोबारा वादा करते हैं कि अगले एक साल दो साल तीन साल के लगभग वो मिल जाएगा, कई और बहाने उसमें बीच में शामिल होते हैं कि मैनेजमेंट बदल गया, मैनेजमेंट बदलने से शायद परिणाम कुछ अनुकूल होंगे और बिल्डर कंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन साहब दरअसल नियत बदलने की आवश्यकता है, मैनेजमेंट बदल। दरअसल यूनिटेक ग्रुप नोएडा विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा बकायेदार बिल्डर है। यूनिटेक बिल्डर का अथॉरिटी पर 9,678 करोड़ रुपए बकाया है। 2006 से 2011 के बीच में यूनिटेक बिल्डर को 5 प्लॉट्स आवंटित किए गए थे। बिल्डर ने इसके लिए केवल न्यूनतम रकम ही अथॉरिटी में जमा कराई थी। इसके बाद बिल्डर ने अथॉरिटी में कोई भी किश्त जमा नहीं की है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण अब यूनिटेक बिल्डर के खाली पड़े प्लॉट को लेना चाहती है और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है। नोएडा के सेक्टर 144 में ग्रुप हाउसिंग के 3A और 3B प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य अब तक यूनिटेक की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के ब्याज के खेल ने भी ग्राहकों के गृह प्रवेश के सपने को पूरा होने से रोक रखा है। दरअसल यूनिटेक को सेक्टर 96, 97 और 98 में 1,622 करोड़ की जमीन का आवंटन हुआ था, जिसमें से बिल्डर ने 435 करोड़ जमा किए और बाकी रकम ब्याज पर ब्याज लगकर 6,458 करोड़ रुपए हो गई है। इसी तरह सेक्टर 113 में 249 करोड़ रुपए की जमीन पर बिल्डर के 151 करोड़ रुपए जमा करने के बावजूद ब्याज समेत 1,103 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। इसी तरह सेक्टर 117 के बकाया को मिलाकर यूनिटेक पर कुल 9,678 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। ऐसे में यूनिटेक का कंट्रोल सरकार के पास चले जाने से इस रकम का भुगतान सबसे बड़ी समस्या बन गया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी को साधारण ब्याज पर लेट पेमेंट वसूलने का निर्देश दे चुका है, लेकिन अथॉरिटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही स्थिति साफ होने की उम्मीद है। अथॉरिटी की पॉलिसी पैरालिसिस के कारण ही आज अथॉरिटी का जो बकाया है वो मूल आवंटन की कीमत से कई गुना ज्यादा हो चुका है। यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन जो नजर आता है वो ये है कि जो अभी अनसोल्ड लैंड जो अभी डेवलपर के पास बची है उसको रिकवर करके उसको हायर रेट्स के ऊपर बेचना, जो करंट प्रिवेलिंग रेट है उसके ऊपर बेचना, जिससे कि अथॉरिटी के ड्यू सिंपल इंटरेस्ट के साथ या अदर इफेक्टेड पार्टीज के ड्यूज क्लियर हो पाए और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें निकल पाए। अगर ये सब चीजें निकल पाती है तभी प्रोजेक्ट के बनने के आसार नजर आते हैं, नहीं तो जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है ऐसे समय पर प्रोजेक्ट का पूरा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल तो यूनिटेक के मामले में 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जिसमें नोएडा अथॉरिटी की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें अथॉरिटी ने यूनिटेक के 2 खाली पड़े प्लॉट्स पर कब्जा करने की गुजारिश की है। आज तक ब्यूरो।